सुनो, मुझे ये प्यार के बदले में जान चाहिए। फट गई ना? अरे बुद्धू, अभी तक तो मैंने ये भी नहीं बताया कि मुझे किसकी जान चाहिए। चौंको मत, तुम्हारी जान नहीं चाहिए मुझे, मुझे मेरे पति की जान चाहिए। क्या दे सकते हो मुझे? बस इतना ही दे सकता हूँ। मैं अपने प्यार के लिए इतना भी ना करूं। नमस्कार। कभी तुम साथ न छोड़ना, कुछ सोचकर अपना कदम न मोड़ना, बहुत प्यार करते हैं तुमसे, इस सुमित को तुम कभी न तोड़ना। दोस्तों, इस प्यार को लेकर के न जाने कई शेरो शायरी किताबों के पन्नों में दफन है। ये प्रेम और प्यार की परिभाषा सबके समझ से परे है। मैं सूरज कुमार, इस क्राइम स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ देर पहले आपने देखा कि एक औरत कैसे अपने पति की हत्या की सुपारी एक नाबालिग लड़के को दे देती है। आखिर क्या मजबूरी रही होगी? क्या औरत अपने पति से प्रताड़ित थी, या फिर उस औरत का उस नाबालिग लड़के के साथ नाजायज संबंध था? आइए हम इस स्टोरी के माध्यम से, इस क्राइम एपिसोड के माध्यम से आपको विस्तार से दिखाते हैं कि आखिर ये गुत्थी क्या है। प्रिया, प्रिया, अरे अभी जाने का लेट हो रहा है मुझे। आ रही हूं। इतना समय लगता है तुम्हें बैग देने में? कहां रहता दिमाग तुम्हारा? जब भी जाना ऑफिस में लेट हो जाता है तुम्हारे वजह से। सुनिए ना, एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बोलो ना। वो अपने पड़ोस वाली अनीता दीदी है ना, वो अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोल रही थी, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊँ। अच्छा, तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या चीज की कमी है? मैं बैंक का सीए हूँ, 70,000 सैलरी मिलता है मुझे। तुम चंद पैसों के लिए 200-400 के लिए ट्यूशन पढ़ाओगी? पागल हो गई क्या तुम? अक्कल नहीं है क्या तुम्हारे पास? बात पैसों की नहीं है, आपको तो पता ही है कि पढ़ाई मेरा पैशन है, और जब से शादी हुआ है तब से लेके आज तक आपने मुझे जॉब करने भी नहीं दिया। कम से कम एक ट्यूशन पढ़ा के अपने सोसाइटी के गरीब बच्चों का भला तो करूं, इसमें बुराई क्या है? वैसे भी आपको पता है, जब आप घर से जाते हो ना, तब आप सोच भी नहीं सकते हो कि मेरी क्या हालत होती है इस घर पे। पूरा घर मुझे काटने के लिए आता है। ये दिमाग ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप बताइए मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। प्लीज मुझे रोकिए मत, ट्यूशन पढ़ाने दीजिए, प्लीज मान जाइए ना। ठीक है, लेकिन हमको शोरगुल पसंद नहीं है। फालतू बच्चों को एंट्री मत देना घर में। बच्चों को बोल देना कि टाइम से आओ, टाइम से जाओ, समझी? वरना हमको जानती हो ना, ठीक नहीं होगा। हाँ, उसका चिंता आप मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। चलो ठीक है, मेरे को लेट हो रहा है, ऑफिस जाने का है।
कौन? जी, मैं छोटू बगल वाली बिल्डिंग से आया हूँ। माने आपसे बात किया था ना मेरी पढ़ाई को लेके। अरे याद आया, तुम अनिता दीदी के लड़के हो ना? जी। मुझे लगा कोई बच्चा होगा, काफी बड़े हो गए हो तुम तो, और काफी स्मार्ट भी। जी वो तो हूँ स्मार्ट मैं। बचपन में देखा था तुम्हें। आओ ना अंदर बैठो, आओ अंदर बैठो। जी चलिए। चलो बैठो। काफी दूर से आए होंगे? नहीं नहीं, बस पास में से ही तो आया। थके होगे ना, कुछ लोगे? ठंडा पानी, चाय? नहीं नहीं, वो सब ठीक है। अच्छा अच्छा, सुनो ना, तुम बैठो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। जी। ये कौन हो सकता है? कौन हो तुम? वो मैं मैडम का स्टूडेंट हूँ, ट्यूशन लेने के लिए आया हूँ। तुमको हॉल में रहना चाहिए ना। अरे हुद्दा, क्या करने आते हैं यहाँ? पानी पानी के लिए ग्लास ढूंढ रहा था। ग्लास लेने आया था? दोस्तों रात को 10 बजे के बाद समझ नहीं आ रहा तुमको? चल निकल निकल जल्दी, चल चल। आज अचानक? तुमको कितनी बार समझाया है ना, घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके कपड़े चेंज किया करो, लेकिन नहीं। तुमको अपनी जिस्म दिखाना है ना। कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तो भूल गई थी। कैसे कैसे तुम बच्चों को ट्यूशन दे रही हो? सुबह ही समझा के गया था ना कि ऐसे वैसे लड़के नहीं चाहिए हमको। उसको तो मैं अभी नीचे बैठा के आई थी, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम नहीं मानोगे हैं? नहीं मानोगे तुम? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा, हाँ वो आप मुझ पे शक कर रहे हैं। तुम मेरे से नहीं मानोगे? हाँ, तुम ऐसे नहीं मानोगे?
कभी नहीं ये सब करेगी तू, मेरे ना मौजूदगी में सब करती नहीं है। तुझे मना किया था ना, तुझे मना किया था ना, हैं बोल मना किया था ना, और इन्हें सुन बुलाओगे उसको। मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है, आइंदा ऐसा हुआ तो जान से मार दूंगा मैं। मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती, और ये सब मेरे पति को पसंद नहीं है। मुझे भी आपके पति पसंद नहीं है, मुझे तो आप पसंद हो। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो, खैर जो बोल दिया सो बोल दिया, अब इससे आगे कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मेरे पति को ये पता चल गया कि तुम यहाँ आके ये सब काम कर रहे हो तो तुम्हारा बोटी बोटी काट के सारे कुत्ते को खिला देंगे। निकलो यहाँ से। चला जाऊंगा, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आप झूठ बोल रही हैं। सच तो ये है कि आप अपने पति से प्यार नहीं करती हैं। देखिए मैम, कितना भी अपने दर्द को छुपा लीजिए, सच आंखों से दिख ही जाता है। तुमने ठीक कहा, तुम दुनिया के पहले इंसान हो जिसने मेरा दर्द समझा। नहीं तो आज तक किसी ने मेरा दर्द नहीं समझा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ गया हूं आपके जीवन में, अब सब ठीक हो जाएगा। प्रिया कहाँ हो तुम? प्रिया, प्रिया, लगता है फिर से ट्यूशन चालू कर दी। ये ऐसे नहीं मानेगी। कितनी बार समझाया तुम, ये सब काम छोड़ दो, ये तुम नहीं समझने वाली। अब क्या हुआ, अब क्यों भड़क रहे हैं आप मुझ पे? तुम्हें नहीं पता है मैं क्यों भड़क रहा हूं तुम पे? मेरे इतने मना करने के बावजूद भी तुम नहीं मानी। उस लड़के को घर में बुलाई? आज मैंने किसी को नहीं बुलाया था घर पे। अरे सच्ची में मुझे कुछ नहीं पता है, आप फालतू का शक कर रहे हैं मुझ पे। तो ये क्या है, चूतिया बना रही है हमको? देखो लगता है तुमको मैं, तुम नहीं मानोगे। अगर ऐसे ही रहा ना फिर हम दोनों को अलग रहना पड़ेगा हमेशा के लिए। तुम अपना देखना और मैं अपना देखूंगा।
मैम, ये चोट का निशान कैसा? अरे कुछ नहीं, वो रात को सीढ़ियों से गिर गई थी इसलिए थोड़ा चोट लग गई। नहीं, ये सीढ़ियों से गिरने के निशान तो नहीं लग रहे। प्लीज बताइए मैम, क्या हुआ? क्या करोगे जानते? और क्या कर सकते हो मेरे लिए? कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए। जान दे सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। आप एक बार बोल के तो देखिए। आपसे इतना प्यार करता हूँ ना, और मुझे पता है जितना मैं आपसे प्यार करता हूँ आप भी मुझसे उतना ही करती हो, और उस प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक बार बोलिए। अच्छा, तो मेरे लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, इतना प्यार करते हो मुझसे, किसी का जान ले भी सकते हो और अपना जान दे भी सकते हो। तो ठीक है फिर, प्यार के बदले में मैं भी कुछ मांगती हूँ, क्या दे सकते हो? आप एक बार मांगिए तो सही। तो सुनो, मुझे ये प्यार के बदले में जान चाहिए। फट गई ना? अरे बुद्धू, अभी तक तो मैंने ये भी नहीं बताया कि मुझे किसकी जान चाहिए। चौंको मत, तुम्हारी जान नहीं चाहिए मुझे, मुझे मेरे पति की जान चाहिए। क्या दे सकते हो मुझे? बस इतना ही। दे सकता हूँ। मैं अपने प्यार के लिए इतना भी ना करूँ तो मेरा जीना हराम है। मेरे पति को मारना इतना आसान नहीं है, और जितना आसान तुम सोच रहे हो। हाँ, अगर ये तुम शुभ काम कर रहे हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वो कैसे? वो ऐसे, कल मैं घर पे नहीं रहूंगी और रात को मेरा पति अकेले है। तुम उसी टाइम का फायदा उठा सकते हो, अगर उठा सकते हो तो, तुम में इतनी हिम्मत हो तो। तो कल पक्का हम लोग मिलेंगे। तो कल ये काम करके ही मैं आपसे मिलूंगा। अरे सुनो, इतना भी बावला बनने की जरूरत नहीं है। अरे आप घबराइए नहीं, मैं कल काम करके ही मिलूंगा। ठीक है, देखते हैं। हेलो। हाँ अंकल जी, हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, बस आधा घंटे में पहुँच रही हूँ। मैं जब तक ना पहुँचूँ तब तक माँ को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, मुझे मुझे मिलना जरूरी है माँ से। हाँ मैं हाँ आ रही हूँ, आधा घंटे में आ रही हूँ। अरे क्या बात है, क्या बात है, घबराए क्यों इतना? मेरे पास इतना बताने के लिए टाइम नहीं है, माँ का एक्सीडेंट हो गया, मुझे जल्दी पहुँचना है। रुको, मैं ले चलता हूँ ना तुमको। अरे नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं है और आपका नुकसान भी हो जाएगा, मैं चली जाऊंगी। रुको छोटो। हाँ साहब। मैडम को स्टेशन छोड़ के आ जाओ। ठीक है सर। जाओ आराम से जाना, ध्यान रखना। चलो, जल्दी चलो चलो। Thank you.
अरे तुम इतनी जल्दी आ गई? ये देखो तुम्हारा काम तमाम कर दिया मैंने। मैंने कहा था ना शाम तक काम तमाम कर दूंगा इसका। अब तुम देखो इसको। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए इसने मेरे पति को मार डाला। क्या बकवास कर रही हो? इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैंने इसको कितना मना किया, फिर भी आज देखिए इसने मेरे पति को ही मार डाला। सर ये झूठ बोल रही है, इसी के कहने पे तो मैंने मारा इसे। इंस्पेक्टर साहब, ये आप लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहा है, मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? नहीं साहब, ये इसने मुझे बोला है तब जाके मैंने ये किया है। मुझे तो पता भी नहीं है कि ये सब, मेरी तो मम्मी बीमार थी, मैं तो उनको देखने के लिए गई थी और अब भी आई तो। इंस्पेक्टर साहब इसको छोड़िए मत। नहीं नहीं साहब, ये झूठ बोल रही है, बात कुछ और है, सच्चाई कुछ और है, मैं बताता हूँ सब। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बात मत सुनिए। साहब मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ साहब। मैं गुमराह कर रहा है, इसको लेके जाइए सर। इसकी शक्ल भी नहीं। नहीं साहब, सर मेरी बात सुनिए सर। चल सर, चल, चल, मेरी बात सुनिए। थाने में चल। मैं सही बोल रहा हूँ। तो झूठा लगता है लेकिन कारनामे बड़े बड़े। अभी मजा चल, सब पता चलेगा। बाबू, सारा काम तमाम हो गया, अब हमारे रास्ते में कोई भी नहीं है। दोनों के दोनों निकल गए भगवान के गोद में और एक भगवान के छत्र छाया में। तो कल मिलो मुझे। अनजाने में दिल लगा बैठे हम, प्यार में धोखा खा बैठे हम। अरे उनसे गिला क्या करे जब गलती हमारी ही थी, बिना दिलवालों से दिल लगा बैठे। दोस्तों ये चंद लाइनें उस नाबालिग लड़के पे फिट बैठती है जो उस महिला के प्रेम जाल में फंस गया, और अपने रास्ते के कांटे को हटाने के लिए वो महिला आखिर किस हद तक गिर गई। खैर जो भी हुआ अच्छा हुआ, सच का सामना हुआ और झूठ का पर्दाफाश हुआ। इस स्टोरी के माध्यम से हमारी टीम यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि आपके साथ कभी ऐसी घटना ना हो, आप सतर्क रहें, आप अपना ख्याल रखें। सो बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।